नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा और आज मैं आपके साथ कुछ इस तरह के फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जो सारे होममेड है, घर पर आपको मिल जाएंगे और उनसे आपके प्लांट जो हरे भरे बने रहेंगे, फ्लावरिंग भी होगी और वेजिटेबल वगैरह में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, रूटिंग प्लांट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सभी में आप इनको, जैसे पत्ती वाले प्लांट होते हैं, हमारे इंडोर प्लांट होते हैं, कोई नुकसान नहीं है इनका। ज़्यादा कम अगर आप डाल भी देते हैं तो उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो पत्ती वाले प्लांट होते हैं दोस्तों, इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती नहीं है तो भी आप इनमें दे दीजिए, जिससे क्या होगा कि ये प्लांट हरे भरे बने रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और भले ही इनमें फ्लावरिंग ना होती हो, लेकिन जब इनकी रंग बिरंगी पत्तियाँ होती है और इनकी ग्रोथ देखिए दोस्तों किस तरह से, ये मेरे बालकनी में रखे हुए प्लांट है तो यहाँ पर हल्की फुल्की धूप भी आती है तो भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है मनी प्लांट की ग्रोथ हो रही है। यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों ड्रेसिना, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इन सभी प्लांट की ग्रोथ हो रही है। बहुत गर्मियाँ हैं और अगर हम ग्रीन नेट भी लगा देते हैं तो भी उमस और गर्मी की वजह से ये प्लांट जो है ख़राब हो जाते हैं। तो हमें अभी इस तरह की खाद देनी है जो बिल्कुल ठंडी हो, जो हमारे प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। केमिकल युक्त जब हम फ्लावर पाने के लिए केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि हमारे प्लांट कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं और गर्मियों में खासकर ख़राब होने का ज़्यादा ही डर होता है। आप देख रहे हैं किस तरह से मेरे सारे प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं, तेज़ धूप में भी रखे हैं, ग्रीन नेट में भी रखे हैं, पत्तियों वाले भी हैं, फ्लावर वाले भी हैं और हार्डी भी है, और कुछ ऐसे प्लांट भी है जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। सारे प्लांट रखे हुए सारे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो दोस्तों टाइम टाइम से अगर आप फर्टिलाइज़र इन पर अप्लाई करते रहें तो ये प्लांट हरे भरे भी बने रहेंगे और अच्छी खासी फ्लावरिंग भी करेंगे। अब गर्मियों में थोड़ा फ्लावरिंग कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड में ऐसा ही होता है, क्योंकि जो है तापमान या तो फिर बहुत ज़्यादा गिर जाता है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी हमारे यहाँ का 45 डिग्री 44-45 डिग्री सेल्सियस का तापमान चल रहा है, तो सारी ठंडी खाद मैं इन पर यूज करती हूँ, कभी कभी कुछ जो है छिड़क भी देती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जो आप मिट्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं और जो है पौधों पर छिड़क भी सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों किस तरह से इस भरचक गर्मी में, इतनी तेज़ गर्मी में मेरे सारे प्लांट हरे भरे हैं। तो ये देखिए हाइब्रिड जो गुलाब है वो भी अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं, जबकि अभी बहुत सारे के यहाँ जो है गार्डन में गुलाब सारे ख़त्म होने लगे हैं। तो ये सारा कमाल सारा का सारा मेरे उन्हीं फर्टिलाइज़र का है जो मैं हर 5-7 दिन में उनको कर लेती हूँ। 5-7 दिन में इसलिए है कि सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें इनको यूज नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है तरबूज के छिलके, आप सोच रहे हैं कि ये क्या ले लिया है मेघा ने। तो दोस्तों ये जो गर्मियों के लिए हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो जब तरबूज हमने खा लिया है तो ये जो छिलके बचे हैं तो ये सारे वेस्ट ही है, तो हम इनसे बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र हम बना सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल ठंडा फर्टिलाइज़र इससे बनता है, बिल्कुल नुकसान हमारे प्लांट को नहीं मिलता है और आम के आम गुठलियों के दाम हो जाते हैं। 3 दिन जब तरबूज खा लेते हैं तो इस तरह से हम फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और उसके बाद ये जो गट्टे जो छिलके हैं जो मैंने छोटे छोटे कर लिए हैं इनके टुकड़े, तो ये टुकड़े हैं इनको आप फिर डीकम्पोस्ट होने के लिए डाल सकते हैं, बहुत अच्छा आपके जो है फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा, अभी लिक्विड भी हो जाएगा और ठोस भी हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से यूज होती है। मैंने 24 घंटे से इन सारे छिलकों को पानी में डुबो रखा है, तो इसमें बहुत सारा फाइबर होता है और प्रोटीन होता है और मिनरल होता है, तो ये पौधों के लिए और हमारी सेहत के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो तरबूज हमने खा लिया है तो छिलकों का यूज हम इन पर कर सकते हैं, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। फर्स्ट ये हो गया है। सेकंड नंबर पर ये देखिए दोस्तों ये है दही। दोस्तों दही में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और एकदम इसमें जो है बहुत ज़्यादा ताज़ा दही हमें नहीं लेना है, खट्टा दही लेना है, क्योंकि दोस्तों खट्टा दही होने के बाद इसमें एसिड की मात्रा भी हो जाती है जो हमारे प्लांट को फ्लावरिंग के लिए और जो फल वाले प्लांट होते हैं उनको फल के लिए तैयार करता है।
जो एसिडिक मिट्टी होती है दोस्तों, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं पानी के साथ घोलकर। जैसे 15 लीटर की बाल्टी है, उसमें आप एक गिलास आधा गिलास ये ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी कैलोरी भी होती है जो हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी है। वैसे दोस्तों गर्मियों में जो है फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है, लेकिन प्लांट को बचाने के लिए हमें इस तरह के फर्टिलाइज़र ज़रूर यूज करने चाहिए। थर्ड नंबर पर आता है ये है दोस्तों, ये देखिए, ये है सारी मेरी किचन वेस्ट जो हम छिलके वगैरह लेते हैं। कभी मिर्च ख़राब हो जाती है, अभी हमारे घर पर पुदीने के जूस वगैरह बन रहे हैं, धनिया चटनी बनती है, तो ये सारी चीज़ें इनके सारे डंखल है। और कभी कभी पत्तियाँ सूख जाती है, सड़ जाती है, पीली निकलती है, तो उन सभी को मैंने इस तरह से जो है गला दिया था। और ये देखिए दोस्तों किस तरह से सारा इनका जो है हरा हरा इस पानी में आ गया है। तो हम ये बहुत अच्छी खाद है एकदम से ठंडी, जिस तरह से सब्जियां हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद होती है, फ़ायदेमंद होती है, वैसे ही पत्तियों जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, लौकी के छिलके, गिलकी, तिरोई, धनिया, मेथी, पुदीना, ये सारी ठंडी चीज़ें हैं। तो इन सबको आप जो है अच्छे बारीक बारीक काट लीजिए इनकी डंखल को, और फिर आप इस तरह से पानी में रख कर और फिर अपने प्लांट को अप्लाई कीजिए। दोस्तों आपके प्लांट कभी ख़राब नहीं होंगे और इनसे पूरे प्लांट हरे भरे बने रहेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों दूध। दूध में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, हम बच्चों को और बड़े हम सभी इसको लेते हैं। इनसे कभी 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 भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और वैसे ही दोस्तों पौधों पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है दूध हमारे बच जाता है, तो बिना शक्कर का दूध दोस्तों हमें यूज करना है। ये देखिए दोस्तों सारे प्लांट पर आप कोई से पत्तियों वाले, फल वाले, फूल वाले, सभी में आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, होममेड फर्टिलाइज़र है। जब हम बाज़ार से फर्टिलाइज़र लाते हैं तो उनमें पैसे लगते हैं, आप खरीद कर लाकर भी इन फर्टिलाइज़र को यूज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं पड़ेंगे। और दोस्तों इस दूध वाले फर्टिलाइज़र और सारे फर्टिलाइज़र जो है आप स्प्रे भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। ये काय का फर्टिलाइज़र है ये भी मैं आपको बता दूँ, ये है दाल और चावल। जब हम धोते हैं तो दाल चावल को, तो पानी सारा फेंक देते हैं दोस्तों, पानी भी बच जाता है, और जो इससे बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र हमारे बन जाता है। एक दो दिन के लिए आप फॉर्मेड होने के लिए रख दीजिए इन सारी चीज़ों को, बहुत ही अच्छे से जो है ये गल जाएगी। और दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं, अच्छे से छान कर बहुत सारे पानी में मिलाकर आप अपने प्लांट को अप्लाई कीजिए, मिट्टी में भी डालिए, पौधों पर भी छिड़किए। और दोस्तों इसमें प्रोटीन की मात्रा के साथ साथ आयरन और विटामिन्स, मिनरल, सारी चीज़ें मैंने आपको इन फर्टिलाइज़र में बता दी है। तो दोस्तों ये सारे फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों जो है तरबूज का सारा अंश इसमें आ गया है, तो आप अब ये सारी चीज़ें फिर कंपोस्ट के लिए भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है सारी, और बिल्कुल होममेड है, फ्री की है। कभी कभी ऐसा हो जाता है दूध दही भी हमारे यहाँ बच जाता है, दाल चावल का पानी वैसे ही ढोल देते हैं, ये छिलके हम वैसे ही फेंक देते हैं डस्टबिन में, तो इनको हम यूज कर सकते हैं और हमारे गार्डन को एकदम से हरा भरा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ही मैं अपने प्लांट पर यूज करती हूँ, और इन्हीं सभी से जो है मेरे प्लांट हरे भरे बने रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये मैं आपको अप्लाई करके भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड है नहीं जानते हैं कि किस तरह से हमें इन पर प्लांट पर जो है देना चाहिए। तो ये दोस्तों ड्रेसिना का प्लांट है, पत्तियों वाले प्लांट पर मैं आपको बता रही हूँ, फूल वाले, पत्तियों वाले हल्की फुल्की सी गुड़ाई कर देना है। वैसे भी मिट्टी सख्त हो जाती है, हम डेली सुबह शाम वाटरिंग करते हैं या फिर डेली वाटरिंग करते हैं तो मिट्टी सख्त हो जाती है, तो फिर हम अगर पानी ये जो फर्टिलाइज़र देंगे तो वो क्या होगा कि वो सारा का सारा नीचे ड्रेनेज से निकल जाएगा और हमारी इन प्लांट की जड़ों तक नहीं जा पाएगा। तो गुड़ाई करके अगर आप प्लांट में ये सारे फर्टिलाइज़र देंगे तो ज़्यादा असरकार होंगे। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं मैं खुद करती हूँ, और ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर कलर आए हैं। तो ये सारा फर्टिलाइज़र का ही कमाल है, इस तरह से बहुत सारा पानी ले लेना। अभी मैं थोड़े में आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि दोस्तों ये सारे मैं एक साथ नहीं देने वाली हूँ,
एक एक तरह के ही फर्टिलाइज़र हम देंगे, सारे एक साथ इकट्ठे करके हमें नहीं देना है कि सारे एक बाल्टी ली ढेर सारा पानी लिया या फिर टंकी ली और सारे फर्टिलाइज़र एक ही साथ दे दिए, नहीं दोस्तों, सारे हर 8 दिन के दिन में देना है। अगर आपको एक साथ ही सारा खाना खिला दिया जाए तो आपका क्या होगा, ओवर डोज हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों प्लांट के साथ भी होता है, तो आप एक एक बात मेरी जो है सुनकर और अपने प्लांट पर कर सकते हैं प्रयोग और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। ये सारा मेरा इसी तरह से गार्डन बनाना हुआ है। धन्यवाद।